होगा नहीं। मुझे सुन कर आराम मिला घर वाला इधर का आराम मिला तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा कुमार और मेरे गांव का नाम है बरसारी जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 11 बजे से हो रही है। सुबह का नाश्ता करने के बाद मैंने वेदू को नहला धुला के और घर के सारे काम जो बारीक काम होते हैं उनको करके वेदू को अभी बिस्तर पर लिटा दिया है। सोया तो नहीं है तो मैं जा रही हूँ अपने किचन गार्डन की तरफ। वहाँ अभी मतलब खाना बनाने की तैयारी मेरी आधा हो चुकी है तो आपको भी दिखाती हूँ और आगे का ब्लॉग किचन की तरफ ही बनाएंगे कि आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। साथ ही साथ आपको इसी तरीके के मनोरंजन देखने के लिए मतलब दोबारा से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रेखा पवार ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए जी आपको भी लेके चलते हैं किचन की तरफ। भाई दोस्तों किचन में आते ही मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, इस पे रखी हुई है थोड़ी सी चाय और यहाँ पे जो दिन का साग बोते हैं उसके लिए भिगो रखे हैं चने जो कि रात से भिगोए हैं तो इनको पीसेंगे सबसे पहले सिलबट्टे पे। तो चलिए भाई दोस्तों कढ़ाई रख दी है मैंने, चने जो हैं वो पीस के तैयार हो चुके हैं तो यहाँ पे कढ़ाई को पहले गरम होने देंगे उसके बाद इसमें डाल देंगे तेल। आज थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पकौड़ियाँ भी बनेंगी इसमें तो तेल की मात्रा ना थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। वैसे हम इतना तेल नहीं डालते हैं। पकौड़ी के लिए सबसे पहले इसमें ना मिर्च मसाले और हल्का सा नमक डाल देंगे, यानी कि ज़रूरत अनुसार नमक डाल देंगे जितना आपको मतलब स्वाद अनुसार चाहिए। बाकी आधे में डालेंगे हम पहले क्योंकि पकौड़ियाँ आधे उसकी बनेंगी जो पिसा हुआ चने का वो है। तो इसको कहा जाता है वैसे कि फाड़ा बना रहे हैं लेकिन ज़्यादा हो गया है तो इसकी ना पकौड़ियाँ काफ़ी अच्छी और टेस्टी होती हैं तो इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे हम। गरम होने के बाद छोटी छोटी हम इसमें पहले टेस्ट करने के लिए डालेंगे गरम हुआ कि नहीं। बाकी अब ना पकौड़ी के लिए ऐसी चौड़ी चौड़ी बनाएंगे हाथ पे क्योंकि इन्होंने अच्छी तरीके से सूखना भी है तो सबसे पहले एक डाल देंगे उसके बाद हम इसी तरीके से तीन चार लगातार डालते रहेंगे। जितनी जगह हो सके कढ़ाई में उतने डाल दें और तेल ध्यान रहे कि तेल अच्छी तरीके से ना गर्म होना चाहिए। तो अभी मेरे पास यहाँ पर स्टैंड नहीं है तो ऐसे ही एडजस्ट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ देखिए भाई काफ़ी अच्छी लग रही हैं और करारी पकौड़ियाँ बने तब तो अच्छा ही मज़ा आता है। ये देखिए भाई कुछ इस तरीके से पकौड़ियाँ मस्त करके हो चुकी हैं तैयार। अब इनको निकाल देंगे हम थाली में, मतलब करारी होनी चाहिए तब तक ना इनको पकाते रहना है। ये देखिए काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है और दिखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इसी तरीके से हम लगातार बनाते रहेंगे। इनको निकाल देंगे थाली में तो काफ़ी सारे मैंने बना दिए हैं और ये देखिए कुछ इस तरीके से पकौड़ियाँ निकालने के बाद इसमें हम जीरे का तड़का देंगे जो कि खूब सारा डालेंगे क्योंकि इसमें ना जो जीरा होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसको अच्छी तरीके से अब इसमें ना मिर्च मसाले और नमक मिला दिया है जितना आपको चाहिए होता है। तो इसको थोड़ा गीला करेंगे क्योंकि इसका बनाएंगे हम फाड़ा तो कुछ इस तरीके से पहाड़ी जो लुक होता है। और जीरा भी देखिए अच्छी तरीके से जल चुका है। इसमें डालने के बाद अच्छी तरीके से कच्ची लगाते रहना लगातार ताकि एक तरफ से जले नहीं और इसका जो तेल है वो लगातार बाहर की तरफ वो करते हैं तो ध्यान रहे कि तेल कहीं इससे बाहर ना निकले। और इसी तरीके से लगातार आधे घंटे तक इसको इसी तरीके से
लगे रहना है घुमाने से, आधे घंटे या 15 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ इसको बनाया जाता है और जितना आप भूनोगे उतना स्वाद आता है इसमें। हल्का सा पानी मिलाया मैंने, उसके बाद इसको देखिए काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। और यहाँ देखिए भाई, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना खाना खाया जाएगा इसमें। तो ये बन चुकी हैं पकौड़ियाँ भी और काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और यहाँ इस तरफ साग बनाया जा रहा है जो कि अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी टेस्टी साग होता है, कभी आप लोग ट्राई करके देखना। और इसी तरीके से आप देखो इसमें ज़रूरत अनुसार हमने पानी मिला दिया है जो कि इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उसके बाद मैं चली छत पे साफ़ करने के लिए, यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा पत्ते हो रहे थे साफ़ करने के लिए जो कि मैंने कर दिया। अपने पुराने वाले घर की तरफ जहाँ पर कि ये पुराना इधर वाला घर पूरा टूटने लग गया है। इस साइड देखिए, यहाँ पे पूरा खाली कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ना दोबारा से बनाया जाएगा। ये मेरे बड़े ससुर जी लोगों का है, बाकी यहाँ पे मोती भी आ रखा है। और हमारे मकान के लिए भी अब थोड़ा सा ना खतरे का डर ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी यहाँ पे कंडी वगैरह निकाल रखी थी बाहर, ये देखो। तो इस कंडे की लिपाई की गई है गोबर और मिट्टी से, वो इसलिए क्योंकि जो झंगोरा होता है वो होने वाला है, तो इसी पे लाते हैं हम झंगोरे की बालियां काट के, ताकि झंगोरे के जो बीज हैं वो बाहर ना निकले। और इसे हमारे गढ़वाली भाषा में कंडी और कहीं कहीं ना मलखुंडी भी कहते हैं। बाकी ये वीडियो स्वामी जी ने मुझे भेजी थी और अपनी वीडियो बना के, तो यहाँ पे वो दांत में ना मसाला भराने गए थे जहाँ की उन्होंने छोटी सी वीडियो शूट करी हुई है। तो अभी ये दांत को पैक करने के पहले तो
तो भाई दोस्तों, जो लोग वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ये वीडियो मैंने इसलिए डाली क्योंकि दो लोगों के कमेंट आ रखे थे कि आप व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हो, मतलब कि बकचोदी रुकनी चाहिए, ऐसा बोला था किसी ने, तो इसकी वजह से डाला था मैंने ये वीडियो। तो धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसी तरीके की वीडियो रोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। थैंक यू।